गाइस आज मैं आपको मटर लगाना सिखाती हूँ। ये हमने प्याज को पिघला दिया है, अच्छे से पक गए हैं प्याज। अब हम आगे की आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डालेगा इसमें। सबसे पहले हम आपको ये 3 बड़ी इलायची कूटने के लिए, 2 छोटी इलायची, दालचीनी, ये तेज पत्ता और ये जीरा, और ये मेथी, और ये गरम मसाला 1 चम्मच। और ये जीरा साथ में डालेंगे हम इसमें, नमक 2 चम्मच। ये हल्दी 1.5 चम्मच। और ये रेड चिली 1.5 चम्मच। A few moments later. तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये मटन हमने अच्छे से बॉईल किया है। अब हम इसको साफ पानी के साथ वॉश करेंगे। इसको अच्छे से हम वॉश करेंगे। तो गाइस देखिए हमारा ये जो मटन है बिल्कुल साफ हो गया, इसका जो ब्लड है वो सारा निकल गया। अब ये अच्छे से साफ हो गए, ये बनने के लिए तैयार है। अब हम आपको दिखाएंगे मसाला कूटते हुए। A few moments later. तो आपने देख लिया, इसमें हमने 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, दालचीनी और जीरा डाला हुआ है। अब हम ये डालेंगे टिक्की, ये कश्मीरी टिक्की होती है, और ये मसाला टिक्की, ये आप देख सकते हैं मसाला टिक्की भी हम इसमें डालेंगे। इससे कलर हमारा बहुत अच्छा आएगा। इसको कूट के हम मीट में डाल देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारे प्याज अच्छे से पक गए हैं, ये फ्राई हो गए। अब हम इसमें मटन डालेंगे। मटन हमने 2 किलो लिया है। अब हम इसमें मटन डालेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, इसमें ब्लड सारा निकल गया है, ये अच्छा बना हुआ है। A few moments later. अब हम इसमें मसाला भी डालेंगे और थोड़ी देर तक इसको हम भिगा देंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे इसका कलर कितना प्यारा आएगा, ये कितना अच्छा बन के आएगा। ये कश्मीरी तरीका है मटन बनाने का। तो गाइज ये मेरी पहली वीडियो है, उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। हम इसको 10 मिनट तक रेड़ा देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि मीट कैसा बना। तो आप देख सकते हैं हमारे मीट को रेड़ा लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हम इसमें अब डालेंगे देसी घी 1 चम्मच। देसी घी का तो अपना ही टेस्ट होता है, इससे बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा मीट रेडी है। तो गाइस देखिए हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो गई। अब अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।